हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं अपने यहाँ पर जो है चाइना पाम, आप देख सकते हैं इसकी जो है यहाँ पर कटिंग हो रही है। जैसे कि हम नर्सरी में यहाँ पर कटिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपका प्लांट जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आपके कुछ पौधे तो सेल हो जाते हैं और कुछ पौधे रह जाते हैं, तो उनको जो है आप ऐसा कर लें कि वो गमले वगैरह में जो है इजीली लग जाएं। क्योंकि जो शहर के लोग होते हैं हमारे, वो जो है गमले वगैरह में ही ज़्यादा जो है पौधों को लगाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर अगर आप कि आप गमले वगैरह में लगाते हैं, तो उसके लिए जो पौधे का साइज़ जो छोटा होना चाहिए, तो ज़्यादा वो खूबसूरत लगता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो इनकी अब कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पौधे अभी रखे हैं दूसरी साइड में, वो जो है बड़े पौधे हैं। क्योंकि अगर किसी को बड़ा प्लांट चाहिए इसका चाइना पाम का, तो हम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अब हम इनको छोटा पौधे में जो है यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा हो गया था साइज़। इसको हम काट के इसका जो है पॉलीथीन चेंज कर देंगे, तो इसके बाद जो है हमारा पौधा हो जाएगा सेल होने के लिए बिल्कुल रेडी। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो इतनी जो इसका बीच का जो पत्ता होता है उसको जो है मैं सिर्फ छोड़ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है ये आपको दिख रहा है नहीं, कुछ कुछ छूटा हुआ, तो ये हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो है उसको पूरे को जो है यहाँ पे हम सारा पत्ता इसका जो है लीफ को काट रहे हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा नया पत्ता निकल के आएगा, उससे जो है काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे शेप इश्यू जो है ले लेगा। उसके बाद काफ़ी अच्छा आपको जो प्लांट से लगेगा यहाँ पे जो है ये लीव्स हैं इसकी जो है पत्ता है, नया पत्ता निकलेगा यहाँ से और काफ़ी अच्छे प्रकार से जो है यहाँ पर ये एकदम से जो है अपने शेप में आ जाएगा और काफ़ी अच्छे प्रकार से फिर लगेगा जब इसकी जो खूबसूरती काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो है अगर आपके कुछ पौधे और भी हैं तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, वो खूबसूरत नहीं लगते होंगे अगर ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा हो जाता होगा, तो उनको जो है आप काट दें और दोबारा से जब वो फूट के आएंगे तो काफ़ी अच्छे प्रकार से जो है वो फूट के आएंगे। तो इसलिए आप भी अपने पौधे की कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बस ये सभी तो आप लोगों को चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।